Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching Easy to Learn English Spoken Channel and today you will learn about some structures. आज कुछ structures और आप सीखने वाले हैं जिनके according जब भी आप English बोलने की कोशिश करते हैं आपसे वो English नहीं बन पाती, बनती है तो उसके अंदर confidence नहीं होता है. So आज ये video देखने के बाद ऐसी problem आपको नहीं आएगी, so video को देखिएगा last तक. So without taking more time, I'm going to start. और सबसे पहले structure की आज जो हम बात करेंगे वो रहेगा रोज का काम या फिर रोज रोज का काम. बहुत बार बोला जाता है शराब पीना इसका तो रोज का काम है, गाली देना इसका हर रोज रोज का काम है, लाइक इट. सो उस कंडीशन में आपको यूज करना है एवरीडे स्टोरी, रोज का काम एवरीडे स्टोरी. सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. सो पहला सेंटेंस हो सकता है स्कूल के समय में ये उसका रोज का काम था. सो बात करेंगे अब पास्ट की, बात करें तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे. इट वॉज हिज एवरी डे स्टोरी इन स्कूल डेज, इस तरीके से रहेगा. नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे ये मेरा रोज का काम है, तो पास्ट की बात नहीं है, प्रेजेंट के तो इज लगाएंगे. सो इट्स माई एवरी डे स्टोरी, ये मेरा रोज का काम है. नेक्स्ट हो सकता है इन पर ध्यान मत दो, ये इनका रोज का काम है. सो बात करेंगे डोंट पे अटेंशन टू दैम, इट्स देयर एवरी डे स्टोरी, रोज का काम है. नेक्स्ट हो सकता है हमारे यहाँ पे वो जानती है ये तुम्हारा रोज का काम है. शी नोज इट्स योर एवरीडे स्टोरी. सो रोज का काम या फिर रोज रोज का काम. और नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हो सकते हैं, बहुत बार हमें बोलना पड़ता है मुद्दे की बात पर आना, मुद्दे की बात करना. बहुत बार बोला जाता मुद्दे की बात पे आओ, मुद्दे की बात करो, इस तरीके से. सो उस कंडीशन में आपको यहां पर यूज करना है कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करना, कम टू द पॉइंट. और बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है गेट टू द पॉइंट. सेंटेंस के थ्रू समझते हैं आपको समझ में आ जाएगा. मैंने कहा मुद्दे की बात करो, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं. सो बात करेंगे कम टू द पॉइंट, आई नो अबाउट यू. नेक्स्ट हो सकता है यहां पे आप मुद्दे की बात पर क्यों नहीं आ रहे. सो बात करेंगे यहां पे व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू द पॉइंट. या फिर लास्ट की बात कर लेता हूं यहां पे आप मुद्दे की बात कब करोगे. सो बात करेंगे व्हेन विल यू कम टू द पॉइंट, आप मुद्दे की बात कब करेंगे. नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं आपके साथ वो हो सकता है अभी के अभी. बहुत बार बोला जाता है अभी के अभी. देखिए एक तो होता है अभी खाली नाउ, बट अभी के अभी तो यूज करेंगे राइट नाउ या फिर राइट अवे. सेंटेंस के थ्रू समझते हैं. मैंने कहा मैं अभी के अभी आना चाहता हूं. सो बात करेंगे आई वॉन्ट टू कम राइट नाउ. अगर सिंपली होता है मैं अभी आना चाहता हूं फिर बनता है यहां पे आई वॉन्ट टू कम नाउ, बट अभी के अभी जोर देने के लिए यूज किया इसलिए राइट नाउ. नेक्स्ट हो जाएगा यहां पे वो अभी के अभी जाएगा. सो बात करेंगे ही विल गो राइट नाउ. नेक्स्ट हो सकता है अभी के अभी यहां आओ. सो बात करेंगे कम हियर राइट नाउ. या नेक्स्ट हो जाएगा यहां पे उसको अभी के अभी रोको. सो हो जाएगा स्टॉप हिम राइट नाउ. लास्ट की अगर हम बात करें वो हो जाएगा अभी के अभी सच बताओ. सो बात करेंगे टेल द ट्रूथ राइट नाउ, अभी के अभी. या फिर मैं यहां पे आपसे डिस्कस करूं नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो रहेगा मुझे लगता है कि. बहुत बार बोला जाता है मुझे लगता है कि वो नहीं आएगी, मुझे लगता है वो मान जाएगी, मुझे लगता है वो नहीं मानेगा, लाइक इट. तो उस कंडीशन में यूज करेंगे इट सीम्स टू मी दैट, मुझे लगता है कि. उसके बाद आपकी बात कैसे सेंटेंस में समझते हैं. मैंने कहा मुझे लगता है कि उसको कोशिश करनी चाहिए. सो बात करेंगे इट सीम्स टू मी दैट ही शुड ट्राई. या फिर नेक्स्ट हो जाएगा मुझे लगता है कि वो ईमानदार है, इट सीम्स टू मी दैट ही इज ऑनेस्ट. नेक्स्ट हो जाएगा मुझे लगता है कि आप एक अच्छे लड़के हो, इट सीम्स टू मी दैट यू आर अ गुड बॉय. या लास्ट की बात कर लेता हूं मुझे लगता है कि तुम ये सवाल नहीं निकाल सकते. सो बात करेंगे इट सीम्स टू मी दैट यू कांट सॉल्व दिस सम. ऐसा बहुत बार होता है, कुछ काम होते हैं डिफिकल्टी जो कोई नहीं कर सकता. सो बोल सकते हैं मुझे लगता है ये काम आप नहीं कर सकते, मुझे लगता है आप ये सवाल नहीं निकाल सकते, तो ऐसी फीलिंग्स हमारी होती है. या फिर मैं लास्ट स्ट्रक्चर की आपसे बात करूं तो लास्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा का कमाल है का जादू है. जैसे होता है ना ये उसकी आवाज का जादू है, ये उसके डांस का कमाल है, तो का कमाल है और का जादू है जब भी इंग्लिश में बोलेंगे इसको बोलेंगे इट्स अ मैजिक अ. उसके बाद वो चीज आ जाएगी जिसका वो कमाल या फिर जादू है.
सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा ये उसकी सुंदरता का कमाल था कि वो आकर्षित हो गया। सो बात करेंगे, इट वॉज द मैजिक ऑफ हर ब्यूटी दैट ही गॉट कैप्टिवेटेड, वो कैप्टिवेट हो गया, अट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये उसके पढ़ाने का कमाल है कि रानी के 95% मार्क्स मिले। सो बात करेंगे यहाँ पे, इट इज अ मैजिक ऑफ हिज टीचिंग दैट रानी गोट 95% मार्क्स। नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे, ये आपकी मेहनत का जादू है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। सो बात करेंगे, इट्स अ मैजिक ऑफ योर हार्ड वर्क दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे और इनकमिंग टाइम कॉन्फिडेंस के साथ इनको आप यूज कर पाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट जैसे ही वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप पहली बार सच में इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आप बेस ऑफ स्पोकन की वीडियोस देखिए अपने बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि आप इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।